यूक्रेन की सेना ने रूस पर किया करारा वार। मिसाइल हमले में धुआं बनकर हवा में उड़ गया रूसी टैंक। असम के बाढ़ में 30,000 से 40,000 घर हुए क्षतिग्रस्त। केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया मदद। एनसीपी पार्टी ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर मीरा रोड भैंदर में किया आंदोलन। मुंबई वालों के लिए राहत की खबर। जिलों का वाटर स्टॉक बढ़ा। बीएमसी ने 10% पानी कटौती का फैसला लिया वापस। क्राइम ब्रांच ने लोहा चोरों को दबोचा। ट्रक समेत 8,89,00,000 का माल हुआ जब्त। अमरनाथ के पवित्र गुफा के पास बादल फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। 40 लोग अभी भी लापता। 55 साल से भारत में रह रही महिला ने मांगी भारतीय नागरिकता। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। खरी से भरी ट्रक ने मारी बिल्डिंग में टक्कर। गोरेगांव आर्य कॉलोनी के रॉयल पंप्स में कल रात को मेन गेट के करीब जैसे ही खरी से भरी हुई ट्रक ऊपर की तरफ चढ़ी, वैसे ही लोड की वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ड्राइवर अपना संतुलन खो दिया, जिसके वजह से पत्थर से टुकड़ों से लदी ट्रक पीछे की तरफ आ गया, जिससे बिल्डिंग की दीवारें और उसका मेन गेट की पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से नुकसान हो गया।